नमस्ते दोस्तों, मैं सुनील भटनागर आपके लिए एक कहानी लेके आया हूँ। और इस कहानी के जरिए हम ये सीखेंगे कि प्राथमिकताएं कैसे जो है उनको रखा जाता है। एक तो हमें ये मानना चाहिए कि प्राथमिकताएं समय के अनुसार बदलती रहती हैं और उनकी तरफ पूरा ध्यान देते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर हमें सही और गलत में एक को चुनना है तो ज़्यादातर लोग आसानी से तय कर लेते हैं कि भाई किसको चुनना है। मगर अगर दो सही चीजों में अगर हमें एक को चुनना है तो वहां पे हमें मुश्किल आती है। इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने से सवाल पूछना है कि भाई क्या दोनों प्राथमिकताएं हमारे लिए जरूरी हैं, और उनकी फिर प्रतिफल और पुरस्कार उनके बारे में भी देखना चाहिए कि किसमें हमें ज्यादा फायदा मिलता है, प्रतिफल किसमें ज्यादा है और पुरस्कार किसमें ज्यादा है। दोस्तों, इसी के लिए आज हम एक कहानी की बात करेंगे कि हमारा यहाँ का जो करेक्टर है वो आज रामू है, जिसका काम था कि एक लाइट हाउस में रात को लाइट को जले रहने देना, जिससे कि जो समुद्री जहाज थे वो चट्टानों से ना टकराए। और इसके लिए उसे जो है लाइट हाउस के लिए 1 महीने का तेल भी मिलता था। अब क्योंकि ये जो एरिया था जहाँ पे ये लाइट हाउस था, ये पास था गांव के, तो लोग इससे मिलने भी आते थे। अब दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि जब ये बैठा हुआ था तो एक आदमी आया। उसने कहा, भाई मेरी जो साइकिल है उसका पहिया जो है वो चल नहीं रहा, मुझे थोड़े तेल की जरूरत है। उसने अपना जो स्टॉक था उसमें से तेल दे दिया। अब कुछ दिन निकल गए, उसके बाद एक बार फिर एक कोई आया। उसने कहा, जी मेरा जो दरवाजा है वो आवाज ज्यादा करता है, उसके लिए मुझे थोड़ा सा तेल चाहिए। उसने उसे तेल दे दिया। उसके बाद एक आदमी और आया और उसने ये कहा कि भाई मुझे जो है तेल जो है अपने घर में लाइट जलाने के लिए चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे का जन्मदिन है। तो दोस्तों, वो इस प्रकार से लोगों को खुश करने में लगा रहा और उसने उनको तेल दे दिया। अब रिजल्ट क्या निकला कि जो स्टॉक उसको महीने में दिया हुआ था वो इसी हिसाब से दिया हुआ था कि रात भर जो है तेल जलता रहे, जो लाइट हाउस है वो काम करती रहे मशाल। अब आखिरी दिन उसने मशाल जलाई 12 बजे, तो वो रात को ही, क्योंकि तेल कम था, 3-4 बजे बुझ गई। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो जहाज जो थे उन्हें वो चट्टान दिखाई नहीं दी, चट्टान जहाज जो है वो चट्टानों से टकरा गए और इससे बहुत से लोग मर गए। अब दोस्तों, जब इंक्वायरी बैठी और उससे पूछा गया तो वो पछता बहुत रहा था, क्योंकि पछतावा के अलावा उसके पास कोई भी चारा नहीं था। अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, यही चीज हमारे साथ होता है। हमें पता है कि हमारा उद्देश्य इस जन्म में किस लिए हुआ है, हमारा काम क्या है, मगर हम करते क्या हैं? हम पैसा कमाने के चक्कर में, हम लोगों को खुश करने के चक्कर में हम अपनी असली जिम्मेदारी भूल जाते हैं, और यही कारण होता है कि ज्यादातर हमें नुकसान होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी प्राथमिकताएं तय करें, जिस काम के लिए आपको रखा गया है वो काम करें, ना कि लोगों को खुश करने के लिए काम करें। धन्यवाद।